स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। अब अगर चुनना ही पड़ेगा तो मुझे एक प्यारी सी लड़की चाहिए, बिल्कुल उसकी मां की तरह। इसलिए मेरा वोट लड़की को जाता है। ये बात हुई। कुमुद दीदी, आपकी बारी, बताइए लड़का या लड़की? मुझे तो लड़का चाहिए। माँ का लाडला जो बस मुझसे प्यार करे। ये हुई ना बात कुमुद दीदी, आपकी तरफ से 100 रुपए का फूल मैं डालूंगा। थैंक यू। वन ऑल। काकी, अब आप बताइए आपको क्या चाहिए, नाती या नातन? बेटा हो या बेटी, द्वारकानाथ उसे स्वस्थ रखे बस। अरे ये क्या बात हुई काकी, आप दोनों नहीं बोल सकती, एक ही बताना पड़ेगा। बेटियों का सुख तो मैंने ले लिया, अब नाते के बहाने बेटे का सुख लूंगी। बुआ जी, आपको क्या चाहिए, पोता या पोती? मैं इतने बेटे हैं मेरे, अब एकाध बेटी और हो जाए। अरे हाँ भाई यश, मेरे वोट ज्यादा है तुझसे, है ना? यस। काकी, आपकी बारी, अब मुझे आपसे भरोसा है। आपको कौन चाहिए, आपके घर का कुल दीपक या कुल ज्योति? मेरा हाल भी बिल्कुल दुब्बा जैसा है। मुझे अम्बे माता ने 3-3 बेटे दिए, अब तो मुझे मेरी बहू जैसी प्यारी एक नन्ही सी बेटी चाहिए। ये खोटी बात ना बोलू काकी, खोटी बात ना बोलू। इस परिवार को तो एक लड़का दिया है आपने, अब क्या चाहती हैं आप? एकदम खरी बात कहू, इस बार तो लड़की होनी चाहिए जो सारा आंगन खुशियों से भर दे। ये ले यश, इस बार तो मैं जीत गया। लेकिन नामकरण होना अभी बाकी है और उसमें मैं ही जीतूंगा क्योंकि होगा लड़का, देखेंगे। बस बस बस, अब मजाक मस्ती बहुत हो गई, अब गोद भराई शुरू करें। हाँ चल बेटा, गोद भराई की रस्म शुरू हो रही है, तू जा यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ माँ? माँ ये दोनों भी तो यहीं पे खड़े हैं, मुझे भी यहीं पे रहने दीजिए ना। ओ हेलो भैया, मैं इनका देवर हूँ और ये इनका भाई है, हम दोनों यहाँ पे रुक सकते हैं। एक मिनट, मैं भी इसका हस्बैंड हूँ, मैं भी रुक सकता हूँ। चंद्र बेटा, बच्चों की तरह जिद नहीं करते, जा। हम मुझे नहीं जाना। अच्छा बेटा एक काम कर, तू वहां पीछे जाके खड़ा हो जाएगा, वहां से सब देख लियो। ठीक है। अब रसम शुरू करें। आइए।
सब ठीक है। बेबी स्लिप हो गया, अभी डिलीवरी करनी पड़ेगी। अभी तो सिर्फ 7 महीने हुए, तो अभी देखिए और कोई रास्ता नहीं है, डिलीवरी तो करनी होगी, और देर कर दी तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। आप रुकिए। नहीं, मुझे अंदर जाना होगा। हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे, डोंट वरी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे अंदर जाना होगा। ये अगेंस्ट रूल्स है। देखिए, बहुत को मेरे साथ की जरूरत होगी, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। ओके, आइए। ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ काकी, कुछ नहीं होगा, भाभी और बच्चा दोनों ठीक होंगे। काकी सरस, सब ठीक होगा। बहुत हुमत जी, आपको इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी आपके कमर के नीचे का हिस्सा सुन हो जाएगा, आप रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। मेरे या बच्चे में से किसी को चुनना पड़े तुम हमारे बच्चे को चुनना। ऐसा कुछ नहीं, मुझे आप दोनों चाहिए, मैं आप दोनों के बगैर अधूरा हूँ। देखना तो बहुत जल्द हम तीनों साथ में होंगे। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती, अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं उसे बड़े होते हुए देखना चाहती हूँ। देखोगे तुम? देखो, क्या क्या सर? सर में दर्द हो रहा है, तो उनका बीपी लो हो गया, मैंने इंजेक्शन दे दिया, फिकर करने की कोई बात नहीं। तुम मेरी तरफ से बहुत, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, और तुमने मुझे बताया तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? दोनों नहीं मिल सकते। अभी तो एक मिल सकता है। एक काम करना, अगली बार अपने काना जी से दो बच्चे मांग लेना। तो मुझे लड़का चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करे और अपने परिवार से बहुत प्यार करे। अगर हमारा बच्चा ऐसा हुआ जैसा तुम चाहते, तो तुम उससे ज्यादा प्यार करोगे? मैं नहीं बताऊंगी। मैंने सोच लिया कि अगर लड़का होगा तो वो फुटबॉल प्लेयर बनेगा, एक बहुत अच्छी बात। नहीं, मैं उसे एक आर्टिस्ट बनाऊंगी।
पेंटिंग करेगा, कविताएं लिखेगा और खड़े बनाए। इसका मतलब तुम मुझे बिल्कुल अपने जैसा बनाना चाहते हो। अच्छा तुमने बताया नहीं कि बच्चे का नाम क्या रखोगी? तो मैंने वो तुम्हें नामों वाली किताब भी दी थी, पढ़ी थी? मैंने नाम सोच लिया। वैसे मेरे भी नाम सोच लिए, पर पहले तुम बताओ। तुम बताओ, अगर तुमने मेरा नाम चोरी कर लिया तो? अच्छा एक काम करते, जो भी हमने हमारे बच्चे का नाम सोचा उसे अपने अपने हाथों पे लिख देते हैं, और जब हमारा बच्चा आएगा तो तब बताएंगे एक दूसरे को, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बेटी हुई है। ये रुक क्यों नहीं रही है? बहुत देर हो गई, कोई और बात तो नहीं होगी ना? नहीं, बात ये है ना कि बच्चा बहुत भाव खा रहा है, कब तक अंदर छुपा रहेगा? देखना, थोड़ी देर में रोने की आवाज आएगी वहां से। मुबारक हो आप सबको, लड़की हुई है। लड़की हुई है, लड़की हुई है। सुबोध और बच्ची दोनों ठीक है। द्वारका नाथ हरि कृपा छे। बेटा बहुत बहुत बधाई हो। यश, यश मैं जीत गया, लड़की हुई है भैया को, लड़की हुई। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही, और जीते हम दोनों हैं। मैं मामा बन गया तो चाचा। ओहो, कैसे मेरी दिक्री? इस पीढ़ी की सबसे पहली बच्ची है तू। जोरों शोरों से स्वागत है तेरा इस परिवार में। देखो ना, ये तो बिल्कुल हमारी कुमोद पे गई है। और ना ना, नाक है ना एकदम सरस जैसी है, लेकिन दांत दादाजी जैसे। अरे लेकिन रंग तो हमारी कुमोद पे ही गया है। तुप्पा, अब ना रहा नहीं जाता, मुझे भी तो देख लो। पहले मैं, अरे पहले मैं, वो कैसे होता है? तब तक मैं देखता हूँ। भैया लेकिन ये तो आप पे बिल्कुल नहीं गई, पूरे अपने चाचा जैसी लग रही है। देखिए आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमारी बेटी हम दोनों पे ही गई है। सरस भाई मुझे तो कुछ कुछ मेरे जैसी भी लग रही है। जिसके जैसे भी लगती हो, पर गुण कुमुद और सरस के है, देख लेना सब लोग। जब उसे देखा ना तो अपनी सारी तकलीफ भूल गई। हाँ भाभी, सुना मैंने, ये बदमाश तो रो ही नहीं रही थी, फिर अपने पापा की बात मान के रो पड़ी। बच्चू तेरे पापा है ही इतने खड़ूस,
मैं भी डरता हूँ उनसे। ओए, मेरी चुगली मत कर। बेटा, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ कौन कैसा है। अरे कुमुद, मेरे नाती से बात तो होती रहेगी, पर ये तो बताओ कि इसका नाम क्या रखा है। कुछ सोचा है? सोचा है कुछ? अब मैं बताऊं। क्या हुआ? वो क्या है ना कि हमने जो नाम सोचे थे, या मतलब सोचे हैं, हमने अपने अपने हाथों पे लिख लिए थे। अच्छा। और ये नाम हमने एक दूसरे को बताए नहीं थे। लेकिन हमें भी तो बताओ कि क्या नाम रखा है। संस्कृति। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। और तुमने बेटा? वही नाम? अरे क्योंकि दोनों के दिल भी एक है। लेकिन सरस भाई, आप दोनों ने एक ही नाम कैसे सोचा? संस्कृति का मतलब होता है सभ्यता। हमारी सभ्यता हमें अच्छाई सिखाती, हमें प्यार सिखाती है। बहुत मुश्किलों के बाद हमें हमारी बेटी मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भगवान का आशीर्वाद है हम दोनों का। यह है संस्कृति। संस्कृति सरस्वती चंद्र व्यास। हमारी बेटी। संस्कृति सरस्वती चंद्र व्यास। अच्छा, अब इसी बात पे एक फैमिली फोटो तो होनी चाहिए, है ना? है ना? चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।